राज बाजार नौपाड़ा जी, बांद्रा टर्मिनस ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे पार्किंग के नीचे ये पार्किंग में ये। अच्छा, तो काला नंबर 6 नंबर इंबर कुछ देना चाहोगे? नंबर 9967 9967 954 954 772 772 या हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमें बांद्रा में नौपाड़ा, जिधर पे नौपाड़ा है और बांद्रा टर्मिनल्स के लिए जो ब्रिज है उसके नीचे, जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखा होगा, हर साल जो मैं हमारे तौफिक भाई है बांद्रा के, माशाल्लाह वो उनके बहुत सारे बकरे आते हैं, कभी 100 का लॉट आता है, कभी 80 का, कभी 70 का। ये सारे बकरे भी हमारे तौफिक भाई के ही है। मैं उनसे मिलाऊंगा आपको और बकरों की क्या डिटेल है वो मैं बताता हूँ आपको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तौफिक भाई है। तो कितने बकरे हैं टोटल अभी अपने पास? टोटल 140 है भाई। 140 है? हाँ, 140 है। और कितने दांत, मतलब कितने वेट से लेके मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कितने? मिनिमम 45 से स्टार्ट है। हाँ, 90 किलो तक है। 90 किलो तक है? तो 90 किलो का कौन सा बकरा दिखा दो ना। वो बकरा उठाना, ये बकरा देखो भाई, ये सामने ये वाला क्या, ये 85 के जी 90 के लगभग में, ये भी उठा बकरा। ये अंडूले क्या खस्सी है? अंडूले भाई, अंडूले ना। माशाल्लाह, हाइट भी अच्छी है इसकी। ये बकरा 70 के जी तक रहेगा, 60-70 किलो के लगभग में रहेगा ये बकरा। अच्छा, ये 60-65 के रहेगा? 60-65 के लगभग। ये खस्सी है? हाँ, ये खस्सी है। माशाल्लाह, ये इसमें दांत, दांत कितने कितने दांत पे? दो दांत से स्टार्ट है भाई। अच्छा, और मे बी 4 दांत तक है अपने पास। 4 दांत? ज़्यादा 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 दांत वाले? ज़्यादा दांत वाले। माशाल्लाह, अच्छी बात है। इसमें अंडुल कितने, खस्सी कितने? अंडुल ज़्यादा नहीं है भाई, खस्सी बहुत है, मतलब ज़्यादा करके खस्सी है अपने पास। सिरोही और सोजत मिक्स है दोनों? मिक्स है। अच्छा, अभी माशाल्लाह बकरे भी ऐसा लग रहा है थके हुए थोड़ा, क्योंकि गर्मी का टाइम भी है ना। हाँ, आज की आज ही उतरी है गाड़ी, और गर्मी का टाइम भी है ना भाई, इंसान थक जा रहा तो ये तो जानवर है, गर्मी बहुत है भाई। हाँ, वो और उधर देख लेते ना, आओ ना। ब्लैक भी है बकरे यार, फुल फुल ब्लैक, माशाल्लाह। ब्लैक भी है, वाइट भी है, ब्राउन भी है। ये अपने हर साल बकरे आते हैं ना माशाल्लाह, हर साल आते हैं। तो अभी हर साल अपने कितनी, पिछले साल जो आए थे कितनी क्वांटिटी में आए थे अपने पास बकरे? पिछले साल तो अपने बारे 600-700 बकरे बेचे अपने, माशाल्लाह। और अपने जो चैनल से जो वीडियो हमने डाले थे अपने, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था भाई, बहुत अच्छा बस। इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई है जो भी ये बकरे लाते हैं जो भी सेल करने के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है भाई कि उनके बकरे जो भी सेल हो जाए, और बस दुआ चाहते हैं हम लोगों की, और कुछ नहीं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये इसका जरा दांत दिखाओ ना कौशिक भाई, दांत दिखा बेटा। चार दांत पे ये, माशाल्लाह, छोड़ दो मैं। कितने वेट पे रहेगा ये? ये मे भी रहेगा भाई 60 के लगभग में रहेगा ये, 60। हाँ, 60 के लगभग तो रहेगा ही रहेगा, माशाल्लाह। तो क्या आप मतलब स्टार्टिंग रेंज रेंज क्या रख रहे हो, रखे हो तुमने ये साल? भाई इसमें ना वाइट, ये साल ऐसा हो रहा है कि बहुत अलग रेट है, और ब्राउन का अलग रेट है, जो कलरिंग बकरे अच्छा। हैं ना उनका अलग रेट है। अच्छा, और जो वाइट में है ना उनका अलग रेट रखे हुए भाई ये साल। अच्छा, तो जो वाइट में है उनका क्या रेट रखे हो? वाइट का है ना भाई 550 के इसमें है, और जो ब्राउन वाले हैं ना जो कलरिंग में है उनका 500 रुपीज़ में रखे हुए भाई। अच्छा, ये जो जो सिरोही के है, मतलब ये जो कलरिंग वाले हैं, हाँ, जो ब्राउन का वाले, ये 500। हाँ, ये 500 के। तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा इसमें? देखो, हाँ, बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब जो बात करेंगे तो उसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा, और वाइट का 550, वाइट का 550, तो उसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर नक, कोई नक पे लेना चाहे तो नक पे भी है ना, माशाल्लाह। मैं तो यही चाहता हूँ कि नक पे भी के, क्योंकि अभी क्या हुआ पता है क्या भाई, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि नक पे लो, साइन की एक वीडियो बनाया था, तो मुझे ना एक कॉल आया जिसने मुझे धमकी दिया है। क्या क्या धमकी दिया कि भाई? बोले भाई चुपचाप जो तेरा काम है वो काम कर, जो तू वीडियो बनाता है ना वो वीडियो बना, लोगों को ज्ञान मत दे कि किस पे खरीदे किस पे ना खरीदे, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। हाँ, तो मैंने उनको वही बोला जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा खरीदे, नक पे खरीदना चाहते नक पे मिलेगा,
अगर आपको किलो पे लेना है तो किलो पे बेचेंगे भाई। हाँ, ऐसा तो, मतलब कोई फिक्स नहीं है। हाँ वही मैंने वही बोला, ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने अपनी सोच बताया, क्योंकि हर किसी को अपनी सोच रखने का हक है। तो मैंने वो बताया तो मुझे एक धमकी भरा कॉल आया कि तू तेरा जितना काम है उतना काम कर, ये सब लोगों को ज्ञान मत दे किस पे खरीदे। बोले मैंने किलो से लाया हूँ अभी, तो मैं नग पे कैसा बेचूँ, ये वो जो भी है बहुत बातें हुई है। तो इंशाल्लाह मैं वो रिकॉर्डिंग रखा हूँ, दूसरी वीडियो में मैं वो लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वो वीडियो। अरे भाई जिसकी मर्जी, हाँ वो वैसा खरीदे। हाँ वो जिसकी मर्जी, हाँ है, वो नग पे बेचेंगे। हाँ अगर उसको भाई किलो पे लेना है तो हम किलो पे देंगे। जी सही बात है, सही बात है, वो उन पे डिपेंड करता है। ये एक भाई एक बड़ा वाला अच्छा दिख रहा भाई, हाँ ये वाला उठाओ जरा भाई, माशाल्लाह। अरे वाह, अंडू लेना ये? हाँ हाँ ये अंडू ले रहे हैं। ये कितने वजन पे रहेगा तुम्हारे हिसाब से तौफीक भाई? ये 80 किलो के लगभग तक रहेगा भाई। 80 किलो, माशाल्लाह। हाँ वो तो है, 70 तो पार ही रहेगा। और माशाल्लाह खूबसूरत भी है भाई। और भी मैं बकरे दिखा देता हूँ। अभी कैसा है ना, बकरे भी बहुत थके हुए, तो अगर आपको आना है तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट एड्रेस बता दो तौसीफ भाई, ताकि अगर किसी को इधर आना है तो एग्जैक्ट एड्रेस बता दो आपका। एग्जैक्ट एड्रेस घास बाजार नौपाड़ा जी, बांद्रा टर्मिनस, ब्रिज के नीचे ही, ब्रिज के नीचे पार्किंग के नीचे ही, पार्किंग में ही। अच्छा, तो ताला नंबर 6। नंबर वंबर कुछ हाँ, देना चाहोगे? नंबर 9967 9967 954 9547272 या ये नंबर मैंने दे दिया हूँ। बाकी के बकरे अगर आपको देखना है तो नौपाड़ा में आ जाइए, माशाल्लाह अच्छे अच्छे बकरे हैं। इन्होंने 500 भी रखा हुआ है और 550 भी है, उसमें नेगोशियबल भी हो जाएगा। अगर आप आके बात करोगे तो उसमें नेगोशियबल भी हो जाएगा। अगर आप नग पे लेना चाहते हो तो आप नग पे भी मिलेगा, वेट पे आप लेना चाहते हो तो आपको वेट पे भी मिलेगा। ये भी एक बकरा दिखा देता हूँ मैं, माशाल्लाह इसके सिक्के देख सकते हो, खूबसूरत बकरा है। अच्छा भाई एक बात पूछना था, जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा, जैसे अगर कोई लोग आउट ऑफ जैसे या जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड़ या बम्बई से आते हैं, हो जाएगा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा ना यहाँ से? ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे आपको रिक्शा हायर करना, रिक्शा मिल जाएगी, फिर टेम्पो वगैरह भी यहाँ पे मिलती है, टेम्पो मिल जाएगी। हाँ वैसे भी यहाँ तो आगे टर्मिनल से, टर्मिनल से बहुत सारे टेम्पो मतलब खड़े रहते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अल्लाह हाफिज़।